नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में। और आज एक बड़ी घटना पहले देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मुंबई की लोकल ट्रेन में ड्रग्स लेते ये कुछ युवक हैं और इनके साथ एक लड़की भी है, तीन लड़के और एक लड़की। ये है पूरा मामला, जहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से इस बात की जानकारी मिली और ये लोग कहते हुए नजर आ रहे कि उनके पास और भी ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स उनके पास है। देख सकते हैं, लोकल ट्रेन जी हाँ, मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, जिसमें हज़ारों लाखों लोग प्रतिदिन सफ़र करते हैं। और ऐसे लोकल ट्रेन में मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और ऐसे खुलेआम इस प्रकार से ड्रग्स लें। पहले तो ड्रग्स लेना ही आपराधिक मामला है और वो भी लोकल ट्रेन के अंदर, ये तो और भी ज़्यादा आपराधिक मामला है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है। इस प्रकार अगर दिन दहाड़े मुंबई की लाइफ लाइन लोकल ट्रेन के अंदर कोई ड्रग्स ले सकता है तो अंदाज़ा लगाइए कि उसकी मानसिकता क्या होगी, क्या होगा उसके अंदर डर का कोई माहौल, क्योंकि ना वो पुलिस से डर रहा है, ना आरपीएफ से डर रहा है, ना प्रशासन से डर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, तभी जाके इन लोगों को सबक मिलेगा कि सिगरेट, मदिरापान या फिर ड्रग्स, इन तमाम चीज़ों से लोकल ट्रेन या लोकल ट्रेन के परिसर में ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित है और इनसे दूरी बनाए रखने में ही समझदारी है। आज के लिए।